तो चलो आज मैं बात करते हैं एक शांत लेकिन शैतानी मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है शैतान और इसके लेखक है आमिल कियान खान और कृष्णदेव याग्निक। डायरेक्टर है विकास बहल और लीड रोल में है अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका, जानकी बोधीवाला और अंगद राज। ये चार कैरेक्टर है और ये चार कैरेक्टर और एक बंगला, ये ऐसे पांच लोगों की बीच में ये पूरा मूवी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है। मूवी का स्टोरी बहुत सिंपल है कि एक चार लोगों की फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा खुश फैमिली है। वो फार्म हाउस जा रहे हैं, फार्म हाउस जाते टाइम वो एक होटल पे रुकते हैं, छुट्टे पैसे नहीं है इसलिए वहाँ पे वो कॉफ़ी या फिर चाय जो भी है वो ले नहीं पाते। तब आर माधवन का जो वनराज कैरेक्टर है वो उनको चाय ऑफर करता है, वो भी बोलते हैं कि हाँ आप भी आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ, वो बैठ जाता है। तो वहाँ से उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वहाँ पे वनराज कैरेक्टर एक लड्डू ऑफर करता है बच्चों को और वहाँ पे वो उसमें से जो लड़की है वो खा लेती है। तो भैया ये गलती पूरा का पूरा लड़की का है कि अपने इंडियन फैमिली का जो रूल है कि बाहर जाते टाइम या फिर जब बाहर जाओ तो कुछ कोई ऑफर करे तो लेना नहीं है, वो उसने फॉलो नहीं किया। तो अंडर 101 सेक्शन ए के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह उन्होंने किया और उनके लग गए अच्छे खासे। तो वो लड्डू खा लेती है, लड्डू खाने के बाद उनका वशीकरण हो जाता है पूरी तरह। वो वनराज जो आर माधवन का कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने लगता है और वो कठपुतली बन जाते हैं, जैसे कि कुछ भी बोलो, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, इधर जा इधर जा, उधर जा उधर जा, खुद को मार, दूसरों को मार दूसरों को मार। तो ऐसा वो कैरेक्टर बन जाता है उसका। लेकिन सच में आर माधवन और ये जो जानकी बोधी वाला जिसने जानवी का कैरेक्टर प्ले किया है बहुत अच्छे से किया है। और आर माधवन का कैरेक्टर तो इतना अच्छे से प्ले हुआ है कि कभी कभी बीच में लगता है कि क्या आदमी यार, मतलब ऐसा टेंशन और क्यूरियोसिटी पूरा मूवी ऐसे मेंटेन रहती है। लास्ट तक ऐसा लगता है कि हमें तो पता है मूवी के एंड में कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी लास्ट तक ऐसा लगता है कि क्या होगा क्या नहीं, कैसे ये जो वशीकरण हुआ है वो बाहर कैसे आएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बाद में वो हो जाता है पूरा मूवी का एंड। लेकिन मूवी इंटरेस्टिंग है और एक तरह से डर भी लगता है कि अभी हमें तो कोई ऑफर नहीं करोगे लड्डू, लेकिन फिर भी बाहर ऐसा कुछ रियल में होता है कि नहीं होता है, मुझे तो ऐसा कुछ ये सब मानता नहीं हूँ, लेकिन ये मूवी है जब हम देखते हैं तो इतना रियलिस्टिक बनाते हैं कि ऐसा लगता है ऐसा भी हो सकता है। और एक अलग कॉन्सेप्ट है कि ऐसा भी कुछ दुनिया में हो सकता है, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह। सो ये कितना रियल है पता नहीं, लेकिन मज़ा आया देख के। सो आपको देखना है तो ज़रूर देख सकते हो। और ये मूवी एक गुजराती मूवी का रीमेक है जिसका नाम है वश, उसमें भी जानकी ने ही काम किया है, जिसने ये का मूवी में जानवी का रोल प्ले किया है जो डॉक्टर है उसका। और लेकिन बहुत बढ़िया रोल है, ज़रूर देखना चाहिए आपको। तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और जाके मूवी देखो, नेटफ्लिक्स पे है। आते हैं हम, बाय।